हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलो एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ऐसे में एक छोटा सा लाइक तो बनता है, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलो, और हो सके तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि हमारी टेक रिलेटेड वीडियो आप देख सको हर रोज़। ऐसे में हम जो इंटरेस्टिंग बातें करते हैं टेक्नोलॉजी को लेके, उसके बारे में हर एक चीज़ आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे स्मार्टफोन वाला कोई मैटर सिर्फ चलता ही नहीं है कि डब्बा खोल बस। चलो छोड़ो यारो, जो करना है आप कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसे में देखते हैं आज की वीडियो में खास कुछ क्या है। तो चलो समय की बर्बादी ना करते हुए वीडियो को और सीधा आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेच इशू को, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, कहीं ना कहीं हम सब ऐसा थोड़ा सा तो सोचते हैं यार कि सेलुलर नेटवर्क जो कि है वो क्या है, किस तरीके से काम करता है, और ऐसे में क्या क्या चीज़ें मिलके इस चीज़ को मतलब अच्छी बनाती है बुरी बनाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के टाइम में सेलुलर नेटवर्क यूज़ होता है। तो हाँ बिल्कुल, सेलुलर नेटवर्क यूज़ होता है और बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज़ होता है। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए क्यों सेलुलर नेटवर्क को यूज़ किया जाता है, तो देखिए इसको समझने के लिए एक ईजी एग्जाम्पल ये है, समझ लेते हैं कि इंडिया में 4 टेलीकॉम कंपनी है कोई भी मान लीजिए, तो ऐसे में उन चारों को अपनी अपनी सर्विसेज हर एक जगह पे पहुंचानी है, और उन सभी के पास सिर्फ एक ही टावर है, और वो टावर कितना बड़ा होगा। तो सोचिए उस टावर को अगर पूरी इंडिया में कनेक्शन देना है तो उसकी रेडिएशन कितनी ज़्यादा होगी। ऐसे में उस रेडिएशन से स्किन बर्न हो सकता है और बहुत अलग अलग बीमारियाँ फैल सकती है। तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव लोगों को ढूंढना था, साइंटिस्ट को ढूंढना था, तो वहाँ पे उन्होंने सेम चीज़ ढूंढा कि चलो नेटवर्क तो बनाते हैं लेकिन उतना बड़ा बड़ा नहीं बनाते हैं, छोटी छोटी टावर्स बनाते हैं और उनको जो कि है ऐसे ऐसे जगह पे इम्प्लांट करते हैं जहाँ से वो कुछ किलोमीटर जो एरिया जो कि है उसको कवर कर सके, और ऐसे में लोगों को अच्छी सिग्नल भी मिले। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें डिज़ाइन हो गई, और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ क्या था, बड़ा जो नेटवर्क था उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, ऐसे में उसकी जितनी भी नीड्स थी वो ज़्यादा थी, लेकिन छोटी जो नेटवर्क्स हैं उसकी वजह से सिग्नल बहुत अच्छे से लोगों को आ रहा था, और ऐसे में उसकी नीड्स भी बहुत कम थी, और ऐसे में उससे किसी तरीके का कोई भी खतरा नहीं था जब तक उसकी कोई बुरा इस्तेमाल ना किया जाए या फिर उसकी जो वार्निंग्स हैं उनको ओवरऑल ना किया जाए। फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे अब क्या प्रॉब्लम आ रहा था, देखिए हर एक टावर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, एक टावर की फ्रीक्वेंसी रेट अगर दूसरे टावर की फ्रीक्वेंसी रेट से मैच हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है, दोनों ही आपको सेम चीज़ें भेजने लग जाती हैं। तो ऐसे में आपकी दाएं तरफ एक बंदा खड़ा है और बाएं तरफ एक बंदा खड़ा है, दोनों सेम चीज़ें आपसे कह रही है, तो सुनने में थोड़ा सा ऑड लगेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा था, तो यहाँ पे क्या किया गया, उन दोनों की जो आईपी वगैरह है उनको चेंज करने की कोशिश की गई, यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेट है उनको बदल दिया गया। तो ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए आप एक ऐसे जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पे 3 नेटवर्क एक सेंटर पे या फिर एक पॉइंट पे मैच कर जाते हैं, वहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर एक टावर से भी आपको सिग्नल आ रहा है तो वहाँ पे बफरिंग नहीं हो सकती, या फिर आपकी बातें रिपीट नहीं आने वाली, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम जो सेम आईपी आपके पास सेंड होने से होता है ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो ये जो पूरी टोटल चीज़ें हैं ये सब मिलकर बनाती है सेलुलर नेटवर्क। अब इसकी नाम इसी चीज़ से आई, जब इसकी रिदम वगैरह को चेंज किया जा रहा था, इसकी फ्रीक्वेंसी रेट हर एक टावर के लिए सीमित की जा रही थी, तो तब इसका नाम इस चीज़ से सेलुलर नेटवर्क आया था। तो सेलुलर नेटवर्क जो कि है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, और ये कैपेबल है बहुत अच्छी चीज़ें करने के लिए, जैसे ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए भी सेलुलर नेटवर्क बहुत कैपेबल है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को सिंपल रखते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ चुका होगा सेलुलर नेटवर्क क्या होता है। तो मिलते हैं एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, और जाने से पहले हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना कर दीजिए।